इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। स्पीकर साहब, मुझे देखें, इधर देखें, इधर मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें, साइड की तरफ। ये मोबाइल ले लें, से मोबाइल ले लें, पूरी मोबाइल। ठीक है, आपको लग रहा है कि अच्छा डेवलपमेंट फंड के लिए जो मुख्तस किया वो आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, अच्छा मेरा आगे चलते हैं। जो कौमी असम्बली इजलास में आज आपने किताबों की जंग तो मेरे ख्याल से देखी होगी। हुकूमती और ओपोजिशन दूसरे पर बकायदा बजट किताबें फेंक रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ जुमलेबाजी भी कर रहे थे, शोर शराब और गालियाँ भी। तो ऐवान मैदान जंग बना हुआ था। ये रवैया कब ख़त्म होगा, कब ये मेच्योरिटी की तरफ जाएंगे? ये तमाम चीज़ें जो है क्या मैसेज देती हैं, क्या पैगाम देती हैं? देखिए, मेरा ख्याल है अब हम अगर इस बात तो इनको बुरा नहीं लगना चाहिए, हम अगर इस पार्लियामेंट को आज के बाद ये कहें कि ये पार्लियामेंट निकम्मी है तो इनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर हम कहें कि ये पार्लियामेंट बेकार है तो इनके पेट में अब बरोड़ नहीं उठने चाहिए। हम अगर आज के बाद कहें कि इस पार्लियामेंट को हमारी तरफ से आप बुलडोज कर दें, इस पार्लियामेंट को आप दबाव बर्बाद कर दें हमारी आवाम की तरफ से, तो फिर इनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि जी ये बड़ी मुकद्दस है और इसके खिलाफ बात नहीं हो सकती है और ये फलाना ढमकाना। ये जो नॉनसेंस इस मुल्क में चलता आ रहा था ना, इदारों की तकरीम होती है उनके किरदार से, उनके वकार से। कोई इदारा दुनिया के अंदर, मस्जिद भी मस्जिद जरार थी एक तारीख में, उस मस्जिद के बारे में भी कहा गया था कि इस मस्जिद को गिरा दिया जाए। जो आज इन्होंने किया है इस पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर, क्या ये कहीं इतनी नंकी फोश गलीज गालियां, शर्म से डूब भरना चाहिए इनको? ये अवामी नुमाइंदे कहलाने के हकदार है? अगर किसी और मुआज़्ज़ब मुल्क के अंदर अगर पार्लियामेंटेरियन असेंबली के फ्लोर पर ये कर रहे होते, खुदा की कसम इन्हें लोग घरों से निकाल कर लेकर आते, घसीट कर सड़कों पर लाते और इनको जूते मारते। इनको वाइस नहीं भेजा जाता है, बिल्कुल सही। ये वहां जाके ये कंडक्ट लोगों के सामने रखे अपना, इनके अंदर बर्दाश्त नहीं है जरा सी भी। और दोनों तरफ से माशाल्लाह, दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? इस पार्लियामेंट का एक एक मिनट जो है वो कौम के पैसों से चलता है, वो किसी के बाप के पैसे से नहीं चलता है, वो किसी को जहेज में नहीं मिला हुआ है, वो किसी की जमीनों की आस्तीन से नहीं चलता है, जागीरदार और वडेरे की, ना वो किसी सनतकार की मिल से निकलने वाले सूती के धागे से चलता है। वो पाकिस्तान के अवाम के टैक्स, इस इजलास के अंदर जो जो गाली दी गई वो गाली भी पाकिस्तानी कौम के टैक्स से दी गई और ये रिवायत बनती चली जा रही है। यानी एक हद होती है किसी चीज़, बड़ी गहरी बात, सही बात कह रहे हैं आप। धर्म होता है किसी चीज का, इन्होंने वो सारा धर्म तोड़ के रख दिया, कुछ बाकी नहीं छोड़ा इन्होंने। आज के बाद बिल्कुल तोड़ के रख दिया। पाकिस्तान के अवाम के लिए हो ना हो भाड़ में जाए, मौत पड़े इस इदारे को, ये दफा हो इदारा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और मैं कहती हूँ कड़वे अल्फाज ये जो निकल रहे हैं आपके मुंह से या मेरे पास, ये बिल्कुल अवामी जबान है। अवाम इसी तरह इनसे इनसे मुखातिब होना चाहती है। अगर कोई मिल गया किसी अवाम के हत्थे चढ़ गए ये लोग, तो आप देख लीजिएगा कि क्या होगा। और होता है अक्सर किस तरह के वाक्यात पेश आते हैं। मोहब्बत नहीं करती अवाम इस तरह के रवैयों से। शायद हसन सिद्दीकी साहब, हमारे मुआशरे में बिल्कुल, देखिए हमारे मुआशरे में डॉक्टर साहब आप पहले देखें कि लोगों के अंदर इंतकाम भरा हुआ है, जमीनों के ऊपर कत्ल हो रहे हैं, इंतकाम है लोगों के अंदर इतनी शिद्दत, और ये जो फ्रस्ट्रेशन है उसकी बहुत बड़े जिम्मेदार ये लोग हैं, ये लोग हैं।
अच्छा अमीर, आपकी इजाजत है मैं शायद हसन सिद्दीकी साहब को शामिल है गुफ्तगू करना चाहती हूँ, कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हम उनको नहीं सुन पा रहे थे, आपकी इजाजत से मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। शायद साहब अगर आप मुझे अब सुन पा रहे हैं तो पंजाब हुकूमत की जाने से भी बजट पेश कर दिया गया, सिंध हुकूमत की जाने से भी कर दिया गया, अमीर तबके को मैं अक्सर कहती हूँ कि इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, जो खाते पीते लोग हैं उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, अपर मिडिल क्लास लोगों को इतना फ़र्क शायद नहीं पड़ता है, लेकिन जो एक निचला तबका है जो बेचारे बहुत मुश्किल से अपने बच्चों की रोज़ी रोटी पूरी करते हैं, मजदूर तबके की अगर बात करूँ उस तबके के हवाले से आप इस बजट को कैसे देखते हैं, दोनों बजट की बात करें पंजाब की भी सिंध की भी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो वफाकी बजट था वो पहले ही बेमकसद हो चुका है, बेमानी हो चुका है और उसकी कोई हैसियत इसलिए नहीं रही कि उसमें उन्होंने ये कहा था कि 570 अरब रुपया सूबे फाजिल देंगे, 570 बिलियन सरप्लस देंगे सूबे। तो सवाल ये पैदा होता है क्या उन्होंने सूबों से बात कर ली थी, क्योंकि जो डिविजिबल पूल से पैसा जाता है वो तो उनको पूरा मिलता नहीं है। आप ये कहते हैं कि 570 बिलियन सूबे फाजिल देंगे ताकि हमारा बजट खसारा जो है कंट्रोल में रहे, वफाक का ही बजट है। अब पंजाब जहां उनकी अपनी हुकूमत है उनका शेयर होता है 50%, इसका मतलब ये है कि पंजाब। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होती है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा था फिज़ा खान जो आज हुआ था उस पर कुछ अच्छा सा एक्सप्लेनेशन देती, अच्छा सा मतलब डिबेट करती, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। बेसिकली इसके पीछे की वजह मैं आपको बता देता हूँ, सीधी सी बात है, ये आज का जो हंगामा था वो किया था इमरान खान की पार्टी के मेंबर्स ने, और इमरान खान के पार्टी के मेंबर ही थे वो गाली गलौज कर रहे थे और ये पुस्तकें और जो भी मतलब बुक्स वगैरह थे वो एक दूसरे पर मार रहे थे। तो फिज़ा खान की तो अब आपको पता है कि इमरान की तो ये बुराई कर नहीं सकती, इमरान की ये कुछ भी हो जाए तो किसी भी हालत में बुराई नहीं कर सकती, तो इमरान खान की ये बुराई नहीं कर पाई इसलिए इसने ज़्यादा कुछ बोला नहीं। हालांकि जो सामने वाला एंकर पर्सन था वो ज़बरदस्त तरीके से बोल रहा था। तो दोस्तों फिज़ा खान आज के मतलब इस टॉपिक पर बहुत कुछ बोल सकती थी, माँ बहन की गालियाँ दी गई, औरतों को कुल मिला के मारा गया पार्लियामेंट में और खुलेआम माँ बहन की गालियाँ दी जा रही थी, इसने एक शब्द नहीं बोला, तो आप समझ सकते हो इमरान की ये पोपट के मुंह से शब्द निकलने वाला नहीं था। तो दोस्तों आज हुआ बेसिकली ये कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टी बजट जो आया था उस पर डिस्कशन हो रहा था, तो बजट के डिस्कशन में जो मेन पार्टी है पीटीआई उसके मेंबर को सुन नहीं पाए और शहबाज शरीफ जो नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं शहबाज शरीफ वो बोल रहे थे, उसको स्पीच के दौरान हंगामा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हाथापाई पे मामला पहुंच गया, माँ बहन की गालियां और जिसके पास जो मिला वो एक दूसरे पर मारने लगे, यहाँ तक कि इतने मतलब ऐसे वीडियो हैं कि जो आप देख भी नहीं सकते, मतलब यूट्यूब पर नहीं देख सकते, ऐसा कुछ नहीं है उनमें, गाली है और क्या मारपीट है, लेकिन वो यूट्यूब के हिसाब से वो कम्युनिटी गाइडलाइंस को वॉयलेट करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी वीडियो अपलोड किया जाए।